धन्यवाद डॉक्टर जयदीप। डॉक्टर जयदीप, मेरे सौभाग्य रहा है कि जैसे ही मैंने एमबीबीएस किया, एमडी किया, और मैं एमडी करते ही फिर स्वामी जी के संपर्क में आ गया, क्योंकि जो 10 वर्ष हमने एमबीबीएस और एमडी में लगाए तो उसमें कई सवालों के जवाब हमें मिल नहीं पाए थे जो कि योग से और आयुर्वेद से मिले। जहां हमने पढ़ाई करी है उसमें हमने, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करें तो हमने सांस का लेना, सांस का छोड़ना, ऑक्सीजन अंदर गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई, लेकिन जो योग में, आयुर्वेद में जो शरीर के बारे में ज्ञान हुआ वो अथाह ज्ञान है। ये अतुलित है, असीमित है ज्ञान, कि पंच प्राण, पांच बड़े प्राण, पांच छोटे प्राण, उप प्राण, और फिर पंच कोश की जो अवधारणा मिली उससे बड़ी संतुष्टि मिली मुझे। मुझे लगा कि ये ज्ञान मेरा अधूरा रह जाता अगर खाली मैं एमबीबीएस और एमडी में जो पढ़ाई की थी उसी से मैं मरीजों का इलाज करता, मानव जाति का इलाज करता, तो उसमें कुछ कमियां रह जाती, और इससे पूर्णता आई है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपके साथ भी मेरा संपर्क हुआ, स्वामी जी के साथ संपर्क हुआ, तो इसमें मेरे को बड़े सारे सवालों का जवाब मिला। एक तो हमारा जो योगाभ्यास के द्वारा पंच कोशों का जो पुष्टि होती है, पंच कोशों की शुद्धि जो होती है, क्योंकि अभी तक मेडिकल साइंस में जितनी रिसर्च हुई है वो यूजली अन्यमय कोश के ऊपर ही हुई है। केवल जो हमारा जो फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है। अभी बड़ी आवश्यकता है रिसर्च की प्राणमय कोष के ऊपर, मनोमय कोष के ऊपर, विज्ञानमय कोष के ऊपर, आनंदमय कोष के ऊपर बड़ी ही रिसर्च होनी चाहिए। अगर किसी को उल्टी हो रही है, कोई बच्चा आया उल्टी हो रही है, तो हम तो खाली केवल उल्टी की दवाई देना चाहेंगे रूटीन में कि उल्टी ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर बच्चे को किसी टीचर से डर लग रहा है, किसी पियर से डर लग रहा है, पियर का प्रेशर है, तो उसमें खाली उल्टी की दवाई कैसे काम करेगी? उसका मनोमय कोष कैसे दबा हुआ है, उसका उसका प्रफुल्लित चेहरा क्यों नहीं है, बच्चा खुश क्यों नहीं है, उसके बड़े सारे कारण हो सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोगों में भी, जैसे आपने बड़ा अच्छा बताया डॉक्टर जयदीप, कि ओबेसिटी इज द साइन ऑफ, फर्स्ट साइन ऑफ डिस्टर्ब्ड मेटाबॉलिज्म। जो ओबेसिटी है, हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म, जो चक्र हमारे खराब हो रहे हैं, तो उनका पहला लक्षण है। उसके बाद डिफरेंट लाइफस्टाइल डिसीज स्टार्ट होती है, चाहे डायबिटीज हो, या जॉइंट डिसऑर्डर्स हो, या फिर थायराइड की प्रॉब्लम्स हो। तो हमारी मेटाबॉलिज्म ठीक रहे, हमारे सभी 8 चक्रों का संतुलन ठीक रहे, उसके लिए योगाभ्यास से बड़ा कोई साधन हो नहीं सकता। आयुर्वेद और योगाभ्यास, जो हम स्वस्थ हैं तो स्वस्थ ही रहेंगे, और बीमारी होगी नहीं, होगी तो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। तो इससे बड़ा परफेक्शन आया है। और जो हमारे देश के यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो विश्व भर में योग का परचम लहराया है, ये बड़ा ही अनुकरणीय है। पिछले 5 वर्षों से बड़े सारे देशों ने इसका लाभ उठाया है, और अब जैसे स्वामी जी ने लिखे थे विज्ञान की कसौटी पर योग, उसमें उन्होंने दिखाया कि लोग कैसे, योग सिर चढ़ के बोलता है, लोगों के चश्मे छूट गए, लोगों की डायबिटीज की दवाई छूट गई, लाइफस्टाइल डिसीज का और कोई साधन नहीं था। योगा इज ए यूनिक वैक्सीन, जो एक वैक्सीन का काम किया है। अभी तक जो पिछले 200 वर्षों से वैक्सीन बनाई जा रही है, यूजली वो एक इन्फेक्शन के लिए एक वैक्सीन होती है, और उसे रिसर्च पे बड़ा सारा खर्च होता है, लेकिन योग तो एक ऐसी वैक्सीन है जिसे करने के बाद ना तो कोई इन्फेक्शन होगा, ना कोई लाइफस्टाइल डिसीज होगी, चाहे ज्वाइंट डिसऑर्डर्स हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे ब्रोंकिलाइज्मा हो, और फिर वैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की कहीं की भी, कोई यूरिक एसिड बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हार्ट डिसीज हो गई, इवन कैंसर और जो एचआईवी और डेंगू, कोरोना जैसे वायरस, इन इन्फेक्शन से, इन कंडीशन से भी फाइट करने में सक्षम है पूरी तरह से। जो योग से मनोबल बढ़ता है, योग से हमारी जो हौसला वो बढ़ता है। जो भी महापुरुष हुए हैं देश में, विश्व में जो महापुरुष हुए हैं, उनका हौसला ऊंचा होता था। उसको इंग्लिश में एक नाम दे दिया हमने, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को हम सोचते हैं कि ये इन्फेक्शन से बचने का तरीका है, और ये किसी दवाई से आ सकती है, ये पॉसिबल नहीं होता। इम्यूनिटी को मैं अपने शब्दों में जो कहना चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा हौसला, या हमारा मनोबल। तो योग से हमारा मनोबल बढ़ता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, हौसला बढ़ता है, और हम बीमार हो नहीं सकते। हमारी एफिशिएंसी, हमारी प्रोडक्टिविटी ये बढ़ती है। और अब जो ग्रहण पड़ रहा है 21 जून को, तो ग्रहण देखिए ऐसे ही है जो हमारे मानव जाति पे, सारे समाज के ऊपर जो असर डालता है। जैसे कि टाइड्स, ज्वार भाटा जो आता है समुद्र में, वो अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, जैसे ज्वार भाटे आते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस काम करते हैं, इसी प्रकार से जो ग्रहण आ रहा है, ग्रहण का भी असर पड़ेगा। तो इसलिए मेरे एक निवेदन रहेगा कि सब लोग घर में बैठ के योग अभ्यास करें। ऑनलाइन स्वामी जी भी सिखा रहे हैं प्रतिदिन, तो डॉक्टर जयदीप के भी क्लासे आती रहती है। मैं भी चाहता हूँ कि भी जितने भी समाज में लोग हैं, मैं भी करवाता हूँ योगाभ्यास सुबह, सब लोग उसका लाभ उठाते हैं। तो इसलिए योगाभ्यास स्वामी जी के साथ जुड़े सब लोग, और उसका घर पे बैठे लाभ उठाएं, खुले वातावरण में, थोड़ा सा खुला, बालकनी में, छत पे बैठ के, या बगीचा हो, लॉन हो, वहां बैठ के योगाभ्यास करें और उसका पूरा लाभ उठाएं, जिससे कि
जो पिछले 3-4 महीनों से लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो उसमें जो फिजिकल आउटडोर एक्टिविटीज कम हो गई है लोगों की, तो उससे हम उसका एक बफर उसके करने के लिए, काउंटर इफेक्ट करने के लिए हम योगाभ्यास प्रातः काल में करेंगे, तो उससे हमारा सारे ही कोषों की पुष्टि होती है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, अन्नमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, हमारी आत्मा के ऊपर जो मैल की परत जम गई है वो सब छंट जाती है। ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, महर्षि पतंजलि कहते हैं, और भगवद गीता में आया योग कर्मसु कौशलम। जो दिन में हमें अगर 5 घंटे भी काम करना है, 4 घंटे भी काम करना है, चाहे 15 घंटे काम करना है, हम काम की हमारी प्रोडक्टिविटी या हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है योगाभ्यास करने से। तो योग ये एक रिमाइंडर है केवल कि 21 जून का हमें योगाभ्यास करना है, ये तो एक जीवन का हिस्सा है। जितना हमें शुशु करना जरूरी है, जितना हमें मल त्याग करना जरूरी है, उतना ही जरूरी योगाभ्यास है। हमारी आत्मा का मल कैसे छटेगा, उसका उसका यूजली मेडिकल साइंस में और कोई सोल्यूशन नहीं होता, जो कि योग योग में सोल्यूशन है, जो कि आयुर्वेद में सोल्यूशन है। हम ध्यान लगाएंगे, हम जो हमारे आप्त पुरुष थे, आत्म पुरुषों ने, महर्षि पतंजलि ने, चरक जी ने, शुशु जी ने, इनको आत्मसात कर लिया था। जब वो इन्होंने आत्मसात कर लिया, भगवान बुद्ध ने इन चीजों को आत्मसात कर लिया, एक अच्छी दिनचर्या, एक अच्छा अच्छा विचार, अच्छे संकल्प, उनकी कीमत को समझा, फिर वो दूत बन गए। वो उन्होंने पूरे मानव जाति को जा जाके बताया। असली डॉक्टर तो, देखिए मैं एक चिकित्सक हूं, लेकिन मुझे लगता है असली डॉक्टर तो गुरु नानक देव जी थे, असली चिकित्सक तो भगवान बुद्ध थे, असली चिकित्सक तो चरक जी थे, जिनका श्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार नाम लिया है कि डॉक्टरों के नाम पे, और वो किसी का नाम नहीं लेते, महर्षि चरक का नाम लेते हैं। तो इस उन्होंने उन्होंने जीवन के सच्चाइयों का अनुभव कर लिया, और ये हम तब कर सकते हैं अगर हम योगाभ्यास करेंगे, जिससे कि हमारी आत्मा के चारों तरफ जो परत जम गई है, मैल की परत जम गई है, वो छट जाए। चाहे कोई उसे यूरिक एसिड कह दे, या कोई कोलेस्ट्रॉल कह दे, या फिर कुछ भी कह दे, ये डिफरेंट जो दोष है हमारे हमारे जो वात पित्त कफ का जो असंतुलन है, उसे कोई भी हम बीमारी का नाम दे दे, लेकिन उसको छाटने का साधन एक ही है, योगाभ्यास, आयुर्वेद, जड़ी बूटियां, होलिस्टिक अप्रोच, जो श्री मोदी जी कहते हैं, जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय कहते हैं, अनिल विज जी कहते हैं बार बार, कि हमें होलिस्टिक अप्रोच अपनाना होगा। हम किसी एक पैथी से केवल वो ना रह जाए, हमें खुल के, अगर किसी चिकित्सक के बच्चे को कोई बीमारी होती है, कोई किडनी फेल हो जाए, तो चाहता है चिकित्सक चाहता है कि मेरा बच्चा किसी भी तरह से ठीक हो, चाहे जड़ी बूटी से ठीक हो, चाहे एलोपैथिक साइंस से या ऑपरेशन से ठीक हो, शल्य चिकित्सा से ठीक हो, लेकिन ठीक। इसी प्रकार से हर मरीज के लिए हम उसका जड़ से बीमारी को ठीक करने का भी चाहें, और फिर प्रोमोटिव हेल्थ के रूप में भी, जो प्रोमोटिव हेल्थ का आगे जो कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जो बीमार नहीं है, जो स्वस्थ है, वो हमेशा स्वस्थ ही रहे, ऐसे कैसे हम जीवनचर्या अपनाएं, उसका सबसे बड़ा हिस्सा है योगाभ्यास। तो इस तरह से मेरी एक अपील है कि योगाभ्यास प्रतिदिन हर कोई करे, क्योंकि मेरा तो अनुभव है पिछले 15-20 वर्षों से जो मैंने योगाभ्यास किया, उसका जो मुझे देखने को अनुभव मिलता है, और मैं हर मरीज को, जो भी मेरे पास बच्चे 3 साल से बड़े आते हैं, ये मेरी गुड़िया है सौम्या, ये पिछले 10 वर्षों से लगातार योगाभ्यास कर रही है, और इसी प्रकार से जो भी बच्चे आते हैं, मैं हर किसी को बोलता हूँ कि जो 3 साल से बड़े बच्चे, मैं प्रैक्टिकली सिखाता भी हूँ, थोड़ा सा 5-10 मिनट का समय देता हूँ, और फिर मैंने वीडियोज भी बनाई है योगाभ्यास के बारे में, मैं उनके लिए बोलता हूँ कि आप जगदम्बा बेबी के नाम से वेबसाइट पे देखें, यूट्यूब चैनल पे देखें, फेसबुक पे देखें, जिससे कि बच्चों में भी बचपन से ही, जिसने बचपन में योगाभ्यास सीख लिया, उसकी जवानी सुरक्षित हो गई, और जो जवानी में योगाभ्यास करना सीख ले, अच्छे सही लाइफ स्टाइल में आ जाए, सही स्वस्थ वत्व को अपनाना सीख ले, उसका बुढ़ापा सुरक्षित हो गया। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को सुरक्षित, सबसे बड़ा इंश्योरेंस का तरीका है योगाभ्यास, सबसे बड़ी वैक्सीन है योगाभ्यास। तो मैंने तो इसको प्रैक्टिकली अनुभव किया है, जिससे कि मैं उसे बता भी सकता हूँ, मैंने पिछले 15 वर्षों से, चाहे कितनी भी गर्मी आओ, मैं रात को सोते समय पंखा नहीं चलाता, कूलर नहीं चलाता, एसी नहीं चलाता, बाहर मच्छरदानी में सोता हूँ, 6 महीने बाहर मच्छरदानी में सोता हूँ, 6 महीने घर में सोता हूँ। तो ये अनुभव मैंने अपने आप, ताली बजा रही है डॉक्टर साहब, डॉक्टर हमारी मैडम ने बताया था, 40 वर्ष स्वामी जी ने बताया था, जस्ट दे आर जस्ट क्लैपिंग फॉर यू, यू आर अ लाइव एग्जांपल, थैंक यू डॉक्टर जयदेव। पिछले 15 वर्ष पहले स्वामी जी ने बता दिया कि था कि डॉक्टर साहब 40 वर्ष की उम्र के बाद 2 बार भोजन करें तो 100 वर्ष तक निरोगी रहेंगे, हम अपनी थायराइड के साथ उसके साथ गलती नहीं करेंगे, हम अपने लीवर के साथ, हम अपने पैनक्रियाज के साथ अतिशोक्ति नहीं करेंगे अगर हम 2 बार भोजन कर लेंगे। तो मैंने तब से ही 15 वर्षों से 2 बार भोजन करना शुरू कर दिया, बड़ा ही हल्का फुल्का सही रहता है, दिल करता है जैसे मैं उड़ू आसमान में, जितना मर्जी मैं दौड़ लगा लूं, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर, कोई थकानी नहीं होती, रात को अपना 9, 9:30, 10 बजे सो जाते हैं, सुबह 4 बजे नींद खुल जाती है, कोयल बोलती है बाहर घर में, मच्छरदानी में सोते, बड़ा अच्छा रहता है। इसी प्रकार से अगर हम इन सत्य चीजों का अनुभव करें, मैं तो हर जगह जाके बताता हूँ कि अगर फ्रिज का पानी पिएंगे तभी बीमारी होगी, तभी हमारी जो जो
जितनी भी एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, उनकी प्रोसेस स्लो हो जाती है, तभी कॉन्स्टिपेशन होता है, तभी एसिडिटी होती है। तो जब मटके का पानी है हमारे पास उपलब्ध है, तो क्यों फ्रिज का पानी पिए, क्यों हम एसी में सोएं? अगर सोते हैं पूरी रात, अगर हम एसी में सोएंगे तो कॉन्स्टिपेशन या वो तो होगी। मेडिकल साइंस ने एक हमें एक मेडिकल सॉरी जो रिसर्च ने आधुनिक मॉडर्न रिसर्च ने हमें एक दे दिया चीज, ठीक है, उसका जहां जरूरत आवश्यकता पड़ने पे उपयोग करें। अदरवाइज योगा जो आयुर्वेद तो कहता है कि प्रज्ञा अपराधो ही सर्वादि मूलम, तो प्रज्ञा अपराध से जहां तक हम बचते रहेंगे और योग की शरण में रहेंगे, तो 100 वर्ष तक हमें चिकित्सक के पास जाना नहीं पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, और हम ऐसे निरोगी रह सकते हैं। स्वास्थ्य व्रत के नियमों को पालन को अगर हम जीवन में उतारेंगे तो हम भी एक दूत बन जाएंगे और हम हर किसी को कहेंगे, और फिर लोग उसका फिर पालन भी करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो डॉक्टर जयदीप आपसे मैं तो बार बार जैसे जो मेरे जो मेडिकल उसकी भी चीजें हैं, मैं आपसे पूछा रहता हूँ कि डॉक्टर जयदीप अगर डेंड्रफ है तो उसमें क्या हम वो करें, जैसे कि मैं मरीजों को भी वो बता सकूं, क्योंकि एलोपैथी साइंस तो मैंने पढ़ ली, आयुर्वेद में मैंने अपने लेवल पे पढ़ ली, लेकिन उससे पूरा ज्ञान नहीं होता। मैं डॉक्टर जयदीप को एज ए रेफरेंस यूज करता हूँ, मैं जो भी ऐसी मेडिकल फील्ड में मैं देना चाहता हूँ कि दवाई के साथ साथ में कुछ इसका परमानेंट उपाय भी बताया जाए जिससे कि मरीज का लाभ हो, तो आपसे सलाह लेता रहता हूँ। इसी तरह से आप आगे भी मुझे गाइड करते रहेंगे, मुझे अच्छा लगता है। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।